जय गुरु जी संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है। आपको आज ही सत्संग को सुनना पड़ेगा, कल मत कर देना संगत जी, क्योंकि आज अगर आपने सत्संग को पूरा सुन लिया ना, ध्यान से सुन लिया, और इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना आपकी परेशानियां कैसे खत्म हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, आप खुद हैरान हो जाओगे, इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है आज का सत्संग सुन के। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी मतलब गुरु जी की हो जाएगी, और आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। तो प्लीज संगत जी मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई गुरु जी की। तो बाद में संगत जी ऐसी बातें करते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, या मतलब आपको, मैं तो कहता हूँ आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिले, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, मैं तो ये कहता हूँ संगत जी। तो प्लीज आप इस सत्संग को जाते जाते संगत जी लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। संगत जी आज हम सब अजय अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अजय कुमार, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी संगत जी, मेरे घर के पास वाले एरिया से, यानी कि मैं संगत जी रहता हूँ उत्तम नगर में, दिल्ली के अंदर उत्तम नगर है, वहां रहता हूँ संगत जी। हमारे घर के पास है विकासपुरी, वहां से ना गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए बस जा रही थी। मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया हुआ था कि गुरुजी के बड़े मंदिर एक बस जा रही है, इतने मतलब इतनी मतलब सीट्स हैं उसमें, इतनी खाली सीट्स हैं और इतने पैसे लगेंगे एक सीट के। तो संगत जी मैंने फटाफट से बुक कर दी अपनी, मतलब कि एक जो सीट थी बुक कर दी संगत जी। वैसे मेरे घर में और कोई भी संगत जी गुरुजी को नहीं मानता है, ना मेरी आंटी, वो तो बिल्कुल नास्तिक है संगत जी, ना कभी किसी मंदिर जाना, ना किसी गुरुद्वारे जाना, उनकी तो ये आदत है। तो मैंने अपनी सीट बुक कर दी। बच्चों को पता ही है आपको संगत जी, आजकल बच्चे कैसे से हैं, कोई पता ही नहीं कौन भगवान है, कौन मतलब कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, बच्चों को पता ही नहीं संगत जी आजकल, पता नहीं क्या होता जा रहा है, मतलब नॉन वेज खाना घर में, मतलब ये चीजें करना। मैं तो संगत जी बड़ा परेशान था इन चीजों से, क्योंकि मेरे संगत जी मैंने कभी इन चीजों को देखा ही नहीं इतनी, मतलब ना कि हमारे घर पे ऐसी चीजें थी नहीं। पर एकदम से जैसे जैसे टाइम बदलता गया संगत जी, बच्चे आजकल पता ही है सबको क्या क्या करते हैं बच्चे,
इतना पाप क्या क्या बताऊं संगत जी मैं आपको। अब मैं मतलब मैंने अपनी सीट बुक कर दी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए और मैं तो बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने अपने घर में जैसे ही बताया ना कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा हूँ, सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया, अब ये कौन से गुरुजी हैं, अब कहाँ जा रहे हो, अब किस मंदिर में जाना शुरू कर दिया, क्या आपने गुरु बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया। संगत जी जो होता है ये घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। मैं अगर चाहता संगत जी तो मैं घर पे बिना बताए गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा सकता था, पर मैंने कहा नहीं, झूठ बोलने वाली आदत ही नहीं है संगत जी। मैंने जो बात थी साफ बताई, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही, रोक सकते तो रोक लो मुझे। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गया बस में। अगले दिन बस मतलब थी ही तो मेरी सीट मैंने पहले बुक करा दी थी संगत जी वहां पे, मतलब अपने पैसे दे के, तो बड़े नॉमिनल से चार्ज थे संगत जी, मैंने वो दे दिए मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। अब पहली बार था बड़े मंदिर में जाना, कोई मैं पहले तो गया नहीं था। संगत जी मुझे बड़े मंदिर में जाके इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए बस के अंदर। जिस बस में हम लोग गए थे ना संगत जी, उसमें बहुत सारी संगत थी, कोई कहीं से आया हुआ था, कोई कहीं से, मतलब दिल्ली के कोने कोने में से संगत आई हुई थी, अलग अलग संगत थी, मैं किसी को जानता भी नहीं था। हाँ मतलब जिनका मेरे पास नंबर था मैं उनको जरूर जानता था, पर वो उसमें थे ही नहीं संगत जी। मतलब 3-4 बसें होंगी इकट्ठी गई होंगी बसें, मैं तो उसी पर्टिकुलर बस की बात कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरुजी के बड़े मंदिर जाके प्रसाद मिला और मैं प्रसाद ना घर ले आया। प्रसाद जो मतलब जो था संगत जी पूरी मतलब पैक प्लेट थी प्रसाद की, गुरुजी के लंगर प्रसाद की, तो मैं वो मतलब कि घर ले, मैंने कहा अब यहाँ खड़े होके भी कैसे खाऊं, मतलब बस में भी अगर तो मेरे से खाया नहीं जा पाएगा तो मैं क्या करता हूँ घर में ले जाता हूँ प्रसाद। बच्चे बच्चे भी खा लेंगे, आंटी भी खा लेंगी, सब मतलब ब्लेसिंग है गुरुजी की, आपस में बांट के खाएंगे प्रसाद, तो फिर कितना अच्छी बात है। मैं तो देखो संगत जी अच्छा ही सोच रहा था ना, मैंने गलत नहीं सोचा था, मैंने अच्छा ही सोचा था, पर मुझे क्या पता मैं अच्छा करने जा रहा हूँ हो गलत जाएगा। संगत जी मैं जैसे ही घर गया, मेरे बच्चे भी घर में थे, आंटी भी घर पे थी, जैसे मैंने कदम ही रखा भी घर के अंदर हो गए लड़ाइयां शुरू। संगत जी बच्चे कहते आ गए गुरुजी के वहां से, क्या क्या बोला गुरुजी ने, कब आ रहा है पैसा आपके पास, कब आ रहा है नया घर, कब आ रही है नई गाड़ी। संगत जी ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी बच्चों ने मेरे साथ, मैंने कहा ये कैसी बात हुई। तो मेरे हाथों में लंगर प्रसाद देखा बच्चे, संगत जी बच्चे कहते हम तो नहीं खाने वाले, ऊपर वालों को दे दो, जो ऊपर रहते ना उनको दे दो, या जो बाहर कोई देख लो कोई है तो, हम तो नहीं खाएंगे इस प्रसाद को, ना आपको खाने देंगे। मैंने कहा ये क्यों, ऐसी क्या बात है। संगत जी मैं उसी वक्त घर से निकल गया प्रसाद लेके, मैंने अपने दोस्त के घर बैठ के वो लंगर प्रसाद किया। संगत जी बताओ आप, मतलब इतने नास्तिक लोग हैं मेरे घर के अंदर। ये नहीं कि मैं अपने घर की बुराई करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, या नहीं संगत जी मैं किसी की मतलब बुराई करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, या किसी की अच्छाई करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मैं तो सिर्फ गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, गुरुजी का सत्संग। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, जैसे ही मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद करके अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था ना, मैंने रास्ते में गुरुजी को देखा, एक झलक सी थी संगत जी, गुरुजी अचानक से गायब भी हो गए थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी, रात का टाइम हो गया था और अब ये सब लोग, संगत जी देखो मैं अकेला था तब, ना मेरे पास उस समय फोन था क्योंकि संगत जी फोन घर पे रह गया था। अब कई लोग ना मानते भी नहीं है मेरी बात, वो कहते तू तो झूठ बोल रहा, तू ऐसे ही कह रहा, तू वैसे कह रहा है, पहली बार में तेरे को कहाँ दर्शन होंगे गुरुजी के, तू हमें ऐसे ही बोल रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। संगत जी देखो लोगों की तो आदत है बातें करने की, है ना, पर मैं तो आपको वो ही बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी, क्योंकि देखो तभी ये सत्संग आगे तक जा पाएगा जब और संगत इस सत्संग को सुनेगी।
संगत को सुनने से ही संगत जी ब्लेसिंग मिलती है, जो शेयर करता है ब्लेसिंग उसको भी मिलती है, जो सुनता है ब्लेसिंग उसको भी मिलती है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है संगत जी। मैं तो कहूंगा जैसे मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ वैसे आप भी करो, आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग पाओ। बड़ा आसान है संगत जी सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।